हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर फॉर लाइफ। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ एक्टिविटीज दिखाई गई हैं, तो हमें सिर्फ उन एक्टिविटी को टिक करना है जिसके लिए पानी की जरूरत होती है। जैसे कि फर्स्ट वन है हैंड वॉश करने के लिए, थर्ड वन है ड्रिंकिंग के लिए, तो इनको हम टिक मार्क करेंगे। इसके बाद बच्चों नीड ऑफ वाटर, हमें पानी की जरूरत क्यों है। बच्चों सभी लिविंग थिंग्स को पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। हम अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए, जैसे नहाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, हर एक एक्टिविटी के लिए पानी की जरूरत होती है। किसान को भी फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है। कुछ फैक्ट्रियों में पानी से चीजें बनाई जाती हैं, पानी को बिजली बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की जरूरत होती है। तो वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। बच्चों पानी अर्थ पर सीज और ओशियंस में पाया जाता है। सी वाटर इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक। फ्रेश वाटर जो होता है वो लेक्स, रिवर, अंडरग्राउंड में होता है। पानी बर्फ, ऊंचे माउंटेन्स पर बर्फ के फॉर्म में भी है, हवा में वाटर वेपर की फॉर्म में भी है। तो बच्चों ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है पानी का वो है रेन। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। पानी जो कि जमीन के नीचे पाया जाता है उसे अंडरग्राउंड वाटर बोला जाता है। जो बारिश का पानी है वो मिट्टी की ऊपरी सतह में से नीचे सीप हो जाता है और रॉक्स और जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में। तो हम उस ग्राउंड वाटर को कुओं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से वापस ले सकते हैं। वाटर सप्लाई, बच्चों हमें टैप से, हम नल से पानी लेते हैं अपने घरों में, ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑल अवर वाटर कम फ्रॉम रेन एंड मेल्टेड स्नो। सारा पानी कहाँ से, बारिश से और पिघली बर्फ से आता है। इससे नदियां और लेक्स भर जाती हैं और फिर ये जो पानी है ये डैम्स में इकट्ठा हो जाता है। इसको साफ और प्योर किया जाता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें से अलग की जाती है। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो प्योरिफाइड वाटर होता है वो पंपिंग स्टेशन में जाता है। बहुत सारे पंप होकर के ये पानी रिजर्वायर में जाता है। फिर ये पानी वाटर पाइप से घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज और फार्म्स में भेजा जाता है। अब हम पढ़ेंगे वाटर शॉर्टेज। बच्चों जब पानी हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए अवेलेबल नहीं होता तो हम कहते हैं वाटर शॉर्टेज है। नदियों का पानी, ग्राउंड वाटर दो मेन सोर्स हैं फ्रेश वाटर के। तो रिवर्स में पानी सिर्फ रेनी सीजन में आता है। अगर पानी बारिश नहीं होती है तो रिवर सूख जाती है, और अगर कम बारिश होती है तो बहुत कम पानी जमीन के नीचे जाता है, तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत नीचे हो जाता है, तो पानी की शॉर्टेज हो जाती है। जिसकी वजह से, पानी की शॉर्टेज की वजह से पानी हमारी नीड्स के लिए सफिशिएंट नहीं होता, तो बिजली की भी शॉर्टेज हो जाती है पानी की भी, क्योंकि पानी शॉर्ट है। और ये कंडीशन अगर 1-2 साल चलती रहे तो हम कहते हैं ड्राउट की स्थिति हो गई है, सूखा पड़ गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी। पानी में बच्चों बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जिसमें जर्म्स, मड, लीव, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस, डस्ट, ये सब चीजें हो सकती हैं। किस वजह से हो सकती हैं? जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाने के लिए उन पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, जिससे वो पानी, पेस्टिसाइड वाला पानी ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। लोग और जो एनिमल्स हैं वो पानी को गंदा करते हैं। फैक्ट्रीज का जो डंप वेस्ट है वो नदियों में जाता है। अब हम स्टोरिंग वाटर, कि पानी, पीने का जो पानी है वो कवर्ड कंटेनर में हमें स्टोर करना चाहिए, जिससे जर्म्स और डस्ट उसमें ना जा सके। पानी को अलग अलग टाइप के कंटेनर में, जैसे बॉटल, बकेट, पॉट, बिग प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करना कर सकते हैं। पीने के पानी साफ और कवर्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या बच्चों? जो पानी हमारे पीने के लिए फिट होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, जिससे बीमारी दूर रह सके, तो इसके लिए हमें प्योर वाटर पीना चाहिए। हम अपने पानी को पीने के लिए सेफ कुछ तरीकों से बना सकते हैं, जैसे पानी को बॉईल करके उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं, वो पानी पीने के लिए अच्छा होता है, प्योर होता है।
पानी में बहुत सारे डस्ट डर्ट हो सकती है, इसको रिमूव कर सकते हैं उसको फिल्टर से स्टेन छान करके। ये बेस्ट तरीका है बॉइल्ड वाटर को या पानी को बॉईल करके या फिल्टर से हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं। पानी को क्लीन करने के लिए वाटर फिल्टर यूज किए जाते हैं। सेविंग वाटर, बच्चों वाटर इज प्रीशियस, इसलिए हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बूंद भी पानी की बहुत ही वाइजली यूज करनी चाहिए। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने टैप्स को नलों को चेक करना चाहिए प्रॉपरली, यूज करने के बाद अच्छे से बंद करना चाहिए, कहीं कोई टैप लीक तो नहीं हो रहा उसको ठीक कराना चाहिए। पानी को साफ और कवर्ड बर्तनों में रखना चाहिए एंड रिसाइकल्ड वाटर यूज करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चों बारिश जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि रेन वाटर अर्थ में अब्जॉर्ब होता है और जमीन के नीचे इकट्ठा होता जाता है। तो लोग इस तरह से पानी को सेव करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद वाटर साइकिल, बच्चों अर्थ रिसाइकिल्स एंड रीयूजेस वाटर थ्रू द नेचुरल वाटर साइकिल। इसमें क्या होता है, पानी समुद्र ओशियन रिवर स्ट्रीम से पॉन्ड्स में जाता है और ये वाटर हमेशा उसकी स्टेट चेंज होती रहती है। इसकी सन की हीट की वजह से पानी वाटर वेपर में चेंज होता है जिसको एवेपरेशन बोलते हैं, और ये वाटर वेपर ऊपर जा करके हवा में ठंडी होती है और ये ठंडी होकर के पानी में कन्वर्ट होती है जिसको कि कंडेंसेशन बोलते हैं, जिससे क्लाउड्स बन जाते हैं और क्लाउड्स से फिर बारिश आती है और ये पानी फिर से नदियों और झरनों में इकट्ठा हो जाता है और फिर से इवेपोरेट होता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। थैंक यू।